टुडे आई विल एक्सप्लेन शॉर्ट क्वेश्चन ज़कात फजीलत और माशरती अहमियत। मुख्तसर जवाब दें, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? इसका आंसर PG 23 पर है। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ, ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मकदार में सोना चांदी नकदी या सामान तजारत मौजूद हो। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें बुक पे। नाउ सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, ज़कात देने वालों के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? इसका आंसर PG 24 पर है। फर्स्ट लाइन, अल्लाह ताला का इरशाद है, वाकिम सलाता वातु ज़कता और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टू है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ज़कात के दो फ़ायदे लिखें। इसका आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का PG 24 पर है। दो फ़ायदे आपने लिखने हैं। नंबर वन, ज़कात की अदायगी से माल में बरकत होती है और वो बढ़ता है। नंबर टू, ज़कात की रकम से सेकों में बहबूद के फलाही काम मुकम्मल हो जाते हैं। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर, अल्लाह ताला की राह में खर्च किए गए माल की क्या हैसियत है? PG 24 तर्जमे के बाद जो आपका पैराग्राफ आता है उसकी आपकी फोर्थ लाइन, जब कोई मुसलमान माल व दौलत जैसी नेमत अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज के गुना बढ़ा कर वापस करेगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, इसको मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर फाइव, माशरे से गुरबत अफराज का खात्मा कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर है PG 24 पर। ये आपके माशरती ज़कात के माशरती अहमियत फ़वाद में से फ़वाद नंबर सिक्स इसका आंसर है। ज़कात के ज़रिए माशरे से गुरबत अफराज का खात्मा किया जा सकता है। सेवन क्लास, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो अपनी बुक पे मार्क करना है और इनको जो है वो अपनी नोटबुक पर लिखना है और इनको अच्छी तरह से याद करना है।